हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। मैं इससे पहले आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पेज से विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो इसमें सबसे पहले समूह ब में लिखा हुआ है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में किसी एक पर निबंध लिखें। तो आपको क्या चार दिया गया है, जैसे जैसे वर्षा ऋतु है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राष्ट्रीय एकता है और पुस्तकालय है। तो इसमें से आपको किसी भी चारों में से किसी भी एक पर जो है आपको अपना लिख लेना है। अगला प्रश्न है, प्रथम शाब्दिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए अथवा दूरदर्शन के कार्यक्रम के विषय में पिता और पुत्र के बीच एक संवाद लिखिए। तो ये इसका भी मैं आंसर आप लोगों को आगे बता दूंगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित गद्यांश को पट करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में एक गर्भवती महिला द्वारा अपने दो मासूम बच्चों की हत्या और फिर खुद को खत्म करना सामाजिक शर्म का पराकाष्ठा है, सभ्य समाज का अस्तित्व खारिज करती या घटना बताती है कि कैसे किसवीं सदी में भी दहेज दानवों का मध्ययुगीन कहर जारी है। देखा जाए तो यह शासन के औचित्य पर गंभीर सवाल है। वास्तव में उस व्यवस्था का क्या मतलब है जो जीवन की सुरक्षा के मसले पर अपनी मजबूत स्थिति नहीं दिखाता है। बेशक इसका उपचार व्यापक जागरूकता में निहित है, किंतु यह भी उतनी ही सही बात है बेशक कि इस जघन्य सामाजिक पृष्ठभूमि में शासन या कानून का स्वयमेव खारिज है। यह शर्मनाक स्थिति व्यवस्थाओं को नकारा जाना महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के मोर्चे पर राजपाट चलाने वाले की लफाजी प्रकट करता है। कोषांग के दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार पर नसीहत वाली कार्रवाई हो, मामले के निपटारे के मात्रा बढ़ाई जाए। तो इस तरह से आप लोग को ये पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं पांच क्वेश्चन, इसके आंसर कर लेना है और हर एक क्वेश्चन दो नंबर के लिए पीछे से पढ़ करके। फिर उसके बाद अगला आपको दिया गया है उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है और नीचे की तरफ आइएगा तो इसमें भी पाँच क्वेश्चन है, उसका भी आंसर करना है। समूह स की बात किया जाए तो पांच क्वेश्चंस का उत्तर दे। इस कहानी में लेखक द्वारा भगजोगनी नाम क्यों रखा गया था? तो भगजोगनी नाम रखने का एक ही कारण था कि उसका नाम कुछ विचित्र था, जिस कारण से लेखक ने एक काल्पनिक नाम भगजोगनी रख दिया था। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके भाई जो दारोगा थे उनका जो हाल था वो बहुत ही खस्ता था और इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो इस तरह से आप लोग ये सब देख सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे वर्षा ऋतु वाला यहाँ से देख सकते हैं, वर्षा ऋतु यहाँ पे है। आप लोग इसको सिंपली पॉज कर के इसको लिख सकते हैं। आप लोग इसको लिखते चलेंगे आराम से और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये वर्षा ऋतु का ही है, इसको आप लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जो लेटर लिखना था वो यहाँ पे है। आप लोग इसको सिंपली इसको उतार लेंगे और एग्ज़ाम में जा कर के लिख देंगे। इस तरह से ये वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।